गुरदासपुर की अगर मैं गल करा, गुरदासपुर के बहुत सारे हॉस्पिटल है, पर लोग जो पसंद करते हैं, लोगों की पहली पसंद है वह है जी गुरदासपुर का आर पी अरोड़ा मेडिसिटी। नाल ही नाल एक इनफॉर्मेशन तुहानू होर दे दां जी, मेरे पिछे तुसी बोर्ड देख सकते हो, यह हैगा जी इंस्टीट्यूट पैरा मैडिकल साइंस, जो कि कोर्सिज भी करवाउंदा है बच्चों नू। 2018 तो इस हॉस्पिटल की शुरुआत हुई सी, ते हुन चल रहा 2022 तक, की कुछ चेंजेस आए ने, आओ फिर अंदर चल के देखते हैं। सर जी, हॉस्पिटल की रिसेप्शन, किसी तुसी डॉक्टर नू मिलना है, कंसल्ट करना है, तो सब तो पहला रिसेप्शन ते आके गलबात कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ला सकते हो। सो मेरे पिछे तुसी वेख सकते हो, यह जी आर पी अरोड़ा मेडिसिटी की फार्मेसी, जो कि 24 आवर्स अवेलेबल है, कंट्रोल रेट पर इतने मेडिसिन मिलती हैं। डॉक्टर राजन अरोड़ा तो डॉक्टर पायल अरोड़ा इस हॉस्पिटल के एमरजेंसी ले 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। सो जी ऑप्टिकल एरिया हॉस्पिटल के फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ताकि डॉक्टर तुहानू जो नंबर लिख के देन, तुहानू बाहर जाके ऐनक बनवाने की जरूरत ना पवे, ये फैसिलिटी भी हॉस्पिटल के अवेलेबल है। मैं तुहानू दस दा कि इस हॉस्पिटल में लगभग 100 पिंड तो लगते ही ने, इस करके किसी भी तरह की जो एमरजेंसी होंगी है तो इस हॉस्पिटल के आया जाता। और फैसिलिटी की गल करा तो हर फैसिलिटी इस हॉस्पिटल मौजूद है, और डॉक्टर्स की गल करा 24 आवर्स डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है। सो ये जी हॉस्पिटल का डे केयर, जिते कि पेशेंट मॉर्निंग आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवा के, जो भी उन्होंने प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो करा के अपना पूरी तरह शाम को अपने घर चले जाते हैं। हॉस्पिटल के किडनी केयर और डायलिसिस सेंटर भी मौजूद है, अगर तुहानू इस तरह की भी कोई समस्या है तो तुसी इस हॉस्पिटल के आ सकते हो। यह जी नर्सिंग स्टेशन, प्राइवेट रूम्स और जनरल वार्ड है, जो नर्सिंग स्टेशन के नाल अटैच है, तुसी बैल मारो तो नर्सिस ने जी 24 आवर्स लिए तुहाडी सेवा लिए मौजूद है। सो वेख सकते हो तुसी जी मॉडरल ऑपरेशन थिएटर, जो कि हॉस्पिटल का बहुत ही सेंसिटिव जड़ा एरिया क्या जाता है, क्रिटिकल अगर केसिस होंगे ने ना तो बड़े ईजीली इस हॉस्पिटल के द्वारा जोड़े सॉल्व कर ले जाते हैं। मैं तुहानू दसदा कि फ्रैश एयर अवेलेबल है, फैसिलिटी इत्थे, नाल ही नाल मशीनरी की गल करा तो अप टू डेट मशीनरी ना कोल अवेलेबल है, ताकि किसी तरह की एमरजेंसी के पेशेंट नू कोई दिक्कत ना आवे, हर फैसिलिटी जोड़ी है इस हॉस्पिटल अवेलेबल है। 2 मॉडरल ऑपरेशन थिएटर ने, 2 सैमी मॉडरल ऑपरेशन थिएटर इस हॉस्पिटल मौजूद ने। आर पी अरोड़ा मेडिसिटी के डॉक्टर राजन अरोड़ा जी साडे नाल जुड़ चुके हैं, गलबात करते हैं। सर, सब तो पहला तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी मैम। सर, अज दे अगर मैं टाइम की गल करा, शुरुआत कदों तुसी कीती सी और केड़ियां केड़ियां नवियां फैसिलिटीज लैके आए हो? मैम, 2011 मैं ते डॉक्टर पायल ने 2 डिपार्टमेंट शुरू किए सी, मेडिसिन डिपार्टमेंट ते आई डिपार्टमेंट। पर मौके की नज़ाकत देखते हुए कि पेशेंट नूं अमृतसर जाना पैंदा सी, मल्टी स्पैशलिटी फैसिलिटीज़ लैन वास्ते अमृतसर जाना पैंदा सी, असीं कोशिश कीती कि असीं इह फैसिलिटियां सारियां ही गुरदासपुर च दे दिए। नवां वेंचर जिहड़ा 2018 स्टार्ट कीता, उहदे विच असीं मेडिसन आई तो इलावा जिहड़े डिपार्टमेंट शुरू करते, जिवें नैफरोलॉजी डिपार्टमेंट च, जिस इस लई साडे कोल 8 तों 10 मशीनां रन कर रहीआं, डायलसिस दीआं मशीनां रन कर रहीआं। दूसरा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट असीं ऐड कर लिया, ऑर्थोपैडिक्स, जनरल सर्जरी जी, फिर अपना फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट असी ऐड कर लिया, तो डायग्नोस्टिक जिहड़ियां फैसिलिटियां जिवें एक्सरे इन हाउस ते अपना सीटी स्कैन इन हाउस, ये फैसिलिटियां अपने ऐड कर लिया जी। बिल्कुल, अगर मैं गल करा अज दे टाइम दी, कोविड नूं ध्यान विच रखते हुए पेशेंट लई किहो जी फैसिलिटी अवेलेबल ने? फर्स्ट वेव जो कोविड की आई है, तुसीं देखिया होना कि लोगों नूं जिहड़ियां कोविड की फैसिलिटी मिलदियां सी, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर वगैरह मिलदियां सी, वो असी उही। सैकेंड वेव जदों स्टार्ट आई, उस वेले साडे कोल, असी उस वेले अपने आप नूं तैयार कर चुके सी, असी उस वेले आइसोलेशन बैड 17 बैड लिते, कंप्लीट फिल रहे, तो घट तो घट नहीं तो 400-500 पेशेंट का इत्थे ही ट्रीटमेंट होया सैकेंड वेव च। इस वेले साडे कोल फिर स्टार्ट हो गया वा, इस वेले 5 पेशेंट एडमिट हैगे आ आइसोलेशन दे विच,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੂਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।